नमस्कार, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे संबंध सूचक अव्यय और संबंध सूचक अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखिए, संबंध सूचक अव्यय को ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेरे घर के पास मंदिर है, राकेश के दफ्तर के सामने डाकघर है, डब्बे के अंदर पैसे है, गाड़ी दिल्ली की ओर जा रही थी, छत पर कौवा बैठा था। यहाँ पर पहले वाक्य में घर यह शब्द संज्ञा है और मंदिर होना यह शब्द क्रिया है। घर इस संज्ञा में और मंदिर होना इस क्रिया में पास यह शब्द संबंध दर्शाता है, इसीलिए पास यह शब्द संबंध सूचक अव्यय है। अगले वाक्यों में सामने, अंदर और पर यह शब्द संज्ञा और क्रिया में संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए ये शब्द संबंध सूचक अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय के भेद। संबंध सूचक अव्यय का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है। पहला प्रयोग के अनुसार, दूसरा अर्थ के अनुसार और तीसरा रूप के अनुसार। प्रयोग के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के तीन भेद है, सविभक्तिक संबंध सूचक अव्यय, निर्विभक्तिक संबंध सूचक अव्यय और उभय विभक्ति संबंध सूचक अव्यय। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 16 भेद है, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, कारणवाचक, समतावाचक, तुलनावाचक, संग्रहवाचक, पृथकतावाचक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, सीमावाचक, सहचरवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक। रूप के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 2 भेद है, मूल संबंध सूचक अव्यय और यौगिक संबंध सूचक अव्यय। इससे पहले हमने संबंध सूचक अव्यय के प्रयोग के अनुसार 3 भेद देखे हैं। अब हम अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के भेद देखेंगे। संबंध सूचक अव्यय का पहला भेद है कालवाचक संबंध सूचक अव्यय। जिन अव्यय से समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक क्रिया दूसरी क्रिया पहले के समय में हुई या बाद के समय में हुई यह पता चलता है उसे कालवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत। वाक्य देखिए, राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, जून के पहले मई आता है, टीवी के पश्चात हमने फ्रिज खरीदा। संबंध सूचक अव्यय का दूसरा भेद है स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय। दूसरी परिभाषा देखो, जिन संबंध सूचक अव्यय से दो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है उन्हें स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, समीप। वाक्य देखिए, कक्षा के बाहर पेड़ है, पेड़ के नीचे फल पड़ा है, जंगल के समीप छोटा गांव है। संबंध सूचक अव्यय का तीसरा भेद है दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द
दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के किस दिशा में है यह पता चलता है उसे दिशावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे निकट, समीप, और, सामने, तरफ, प्रति, आसपास। वाक्य देखिए, घर के सामने बगीचा है, पूरब की तरफ चले जाओ, चौकी के आसपास रिक्शा मिल जाएगा। संबंध सूचक अव्यय का चौथा भेद है साधनवाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के लिए साधन का कार्य कर रहा है उसे साधनवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे सहारे, निमित्त, द्वारा, जरिए, माध्यम, मार्फत। वाक्य देखिए, रामू पेड़ के सहारे खड़ा रहा, हम टांगे के जरिए घर पहुंचे। इंसान पढ़ाई के माध्यम से ही बड़ा आदमी बनता है। संबंध सूचक अव्यय का अगला भेद है कारणवाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के कारण का पता चलता है उसे कारणवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर, के लिए। वाक्य देखिए, रमेश उत्तीर्ण होने हेतु दिन रात पढ़ाई करता रहा, सुधीर अच्छा न खेलने के कारण हार गया, अशोक कलेक्टर बनने के लिए 10 साल मुंबई गया था। संबंध सूचक अव्यय का छठवां भेद है समतावाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समतावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के समान बताया जा रहा है उसे समतावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। समतावाचक संबंध सूचक अव्यय को ही सादृश्यवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे समान, अनुसार, तुल्य, तरह, वैसा, भांति, बराबर। वाक्य देखिए, सुरेश हाथी के समान बलवान था, सीता की तरह मीरा भी सुंदर है, हमें पिताजी के बराबर चलना चाहिए। संबंध सूचक अव्यय का सातवां भेद है तुलनावाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द तुलना का बोध कराते हैं उन्हें तुलनावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है उसे तुलनावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे अपेक्षा, बजाय, तुलना। वाक्य देखिए, गीता की अपेक्षा सीता अधिक बुद्धिमान है, गांव के बजाय शहर में अधिक पैसे मिलेंगे, गौरव की तुलना में सौरभ अधिक बड़ा दिखता है। संबंध सूचक अव्यय का आठवां भेद है संग्रहवाचक संबंध सूचक अव्यय। जिस अव्यय से किसी के साथ कार्य करने का बोध होता है उसे संग्रहवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है
यह पता चलता है उसे संग्रहवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे साथ, सहित, समेत, भर, तक। वाक्य देखिए, सुधाकर अमोल के साथ पढ़ाई करता है। हम परिवार के सहित समारोह में गए थे। राहुल किताबों के समेत स्कूल गया। संबंध सूचक अव्यय का नौवां भेद है पृथकतावाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द पृथकता का बोध कराते हैं उन्हें पृथकतावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। पृथकता का अर्थ है दूर या अलग होना। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है उसे पृथकतावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे दूर, हटकर, परे, अलग। वाक्य देखिए, गांव से दूर नदी है। मारपीट से हटकर बात करते हैं। रूपाली ने सबसे अलग पत्र लिखा। संबंध सूचक अव्यय का दसवां भेद है विरोधवाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोधवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विरोध करने या स्वभाव का पता चलता है उसे विरोधवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, उल्टे, प्रतिकूल। वाक्य देखिए, आदित्य गौरव के विपरीत स्वभाव का व्यक्ति है। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। तुम एक सोच के विरुद्ध कदम उठा रहे हो। संबंध सूचक अव्यय का अगला भेद है हेतुवाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द हेतु का बोध कराते हैं उन्हें हेतुवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस संबंध सूचक अव्यय से संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य के हेतु का पता चलता है उसे हेतुवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे रहित, अथवा, सिवा, अतिरिक्त, मारे, चलते। वाक्य देखिए, पढ़ाई के सिवा उत्तीर्ण कैसे होगा। पानी के मारे जीना मुश्किल हो गया। मंदी के चलते काम नहीं मिल रहा है। संबंध सूचक अव्यय का बारवा भेद है सीमावाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे तक, पर्यंत, भर, मात्र। वाक्य देखिए, तुम गांव तक पैदल चलो। भारत के सीमा पर्यंत यह देश हमारा है। पाकिस्तान मात्र षड्यंत्र कर रहा है। संबंध सूचक अव्यय का तेरवा भेद है सहचरवाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द सहगामी का बोध कराते हैं उन्हें सहचरवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। सहचर का अर्थ होता है सहगामी या साथीदार। जैसे समेत, संग, साथ, सहित, पूर्वक, स्वाधीन, वश। वाक्य देखिए, हमने शिक्षकों समेत खाना खाया। दीपाली संग घूमे थे। मेरा दोस्त भी साथ था। संबंध सूचक अव्यय का अगला भेद है विषयवाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द किसी विषय का बोध कराते हैं उन्हें विषयवाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे विषय, बाबत, लेख, नाम, जान, भरोसे। वाक्य देखिए, हम आज हिंदी विषय का व्याकरण सीखेंगे। हमें अपने देश बाबत जानकारी होनी चाहिए। दीपावली के त्योहार का लेख पढ़ लो। संबंध सूचक अव्यय का पंद्रवा भेद है
व्यतिरेक वाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द अभाव का बोध कराते हैं उन्हें व्यतिरेक वाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव, अंतर या भेद, जैसे सिवा, अलावा, बिना, वगैरह, अतिरिक्त, रहित। वाक्य देखिए, राम के अलावा सब आ गए, दूध के बिना चाय बनाई है, मानवता रहित जीवन व्यर्थ है। संबंध सूचक अव्यय का 16वां भेद है विनिमय वाचक संबंध सूचक अव्यय। जो अव्यय शब्द आदान प्रदान का बोध कराते हैं उन्हें विनिमय वाचक संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। विनिमय का अर्थ है अदल बदल या लेन देन, जैसे पलटे, बदले, जगह, एवज। वाक्य देखिए, गेहूं के बदले चावल दे दो, शक्कर की जगह गुड़ लाया है, मैंने घर के एवज में बंगला खरीदा। अगले वीडियो में हम रूप के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के भेद देखेंगे। धन्यवाद।